नमस्कार, एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टार एजुकेशनल हब पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ 7 गांधी जी महान कैसे बने के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। और ये वीडियो स्टार एजुकेशनल हब के रेगुलर व्यूअर नसीम खान जी के कमेंट पर स्पेशल लाई गई है। अगर आपको भी किसी ऐसे ही पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाई जाएगी। पर अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। स्क्रीन पर देख पा रहे हैं प्रश्न एक है, भारत में राष्ट्रपिता किन्हें कहा जाता है? इसके लिए विकल्प हैं जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी। तो मुझे लगता है कि आप सभी को पता होगा, इसका उत्तर होगा विकल्प घ, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी को भारत के राष्ट्रपिता कहा जाता है। गांधी जी का पूरा नाम क्या था? इसके लिए विकल्प है मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास धर्मचंद गांधी, फिरोज गांधी, सोहनदास करमचंद गांधी। तो इसके लिए विकल्प होगा क, मोहनदास करमचंद गांधी। विकल्प क हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3, हम सब लोग प्यार से महात्मा गांधी को क्या कहकर बुलाते थे? क्या कहकर बुलाते थे? इसके लिए विकल्प हैं चाचा, दद्दा, बापू, राष्ट्रपिता। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ग, बापू। हम महात्मा गांधी जी को प्यार से बापू कहकर बुलाते हैं। गांधी जी का जन्म कब हुआ? प्रश्न 4 है और इसके लिए विकल्प है 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1860, 2 अक्टूबर 1867 और 2 अक्टूबर 1870। इसके लिए सही उत्तर होगा विकल्प क। प्रश्न नंबर 4 का सही विकल्प होगा क, 2 अक्टूबर 1869। प्रश्न नंबर 5 है, गांधी जी को बचपन में किससे डर लगता था? और इसके लिए विकल्प हैं पढ़ाई से, मार से, अंधेरे से या पिताजी से। तो इसका सही उत्तर होगा अंधेरे से। विकल्प ग हमारा सही उत्तर होगा, तो ग पर टिक लगाएंगे, अंधेरे से। प्रश्न नंबर 6 है, किस घटना को देखकर गांधी जी ने सिर्फ धोती पहनने का निर्णय किया? और इसके लिए विकल्प दे रखे हैं गर्मी को देखकर, वस्त्रहीन बच्चों को देखकर, कपड़ों की बचत के उद्देश्य से, या तालाब में आधी धोती पहने और आधी धोती धोते हुए औरत को देखकर। तो प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर होगा विकल्प घ, तालाब में आधी धोती पहने और आधी धोती धोते हुए औरत को देखकर गांधी जी ने सिर्फ धोती पहनने का निर्णय किया। उसके बाद है प्रश्न नंबर 7 है, गांधी जी ने पेंसिल से पहली चिट्ठी किसे लिखी? और इसके लिए विकल्प दे रखे हैं भारत के वायसराय को, इंग्लैंड की रानी को, भारत के बच्चों को या लंदन के बच्चों को। तो इसके लिए सही उत्तर होगा विकल्प क, भारत के वायसराय को। गांधी जी ने पेंसिल से पहली चिट्ठी किसे लिखी थी? भारत के वायसराय को। प्रश्न नंबर 8 है, गांधी जी को क्या अच्छा नहीं लगता था? इसके लिए विकल्प हैं चश्मा, फिजूल खर्ची और दिखावा और पेन। आगे है विकल्प घ, कपड़े। इसके लिए सही उत्तर होगा विकल्प ख, फिजूल खर्ची और दिखावा। तो विकल्प ख पर हम सही का निशान लगाएंगे। गांधी जी को फिजूल खर्ची और दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आगे प्रश्न नंबर 9 है, किस धर्म में अपरिग्रह में जोड़ दिया गया है? और इसके लिए विकल्प दे रखे हैं सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मुस्लिम धर्म। प्रश्न नंबर 9 के लिए सही उत्तर होगा विकल्प ग, जैन धर्म। जैन धर्म में अपरिग्रह में जोड़ दिया गया है। प्रश्न नंबर 10 है, अपरिग्रह से क्या अभिप्राय है? इसके लिए विकल्प दे रखे हैं अधिक से अधिक धन वस्तुओं का संग्रह करना,
अधिक वस्तुओं एवं धन का संग्रह न करना, पढ़ लिख कर बड़े बनना, दान धर्म करना। और प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर होगा विकल्प ख। अपरिग्रह का मतलब होता है अधिक वस्तुओं एवं धन का संग्रह न करना, इकट्ठे न करना। प्रश्न नंबर 11 है गांधी जी के कितने बंदर प्रसिद्ध हैं। तो गांधी जी के कितने प्रसिद्ध हैं, 3 हैं, है ना। विकल्प दे रखे हैं 2, 3, 4, 5। तो इसके लिए सही उत्तर होगा विकल्प ख, 3 बंदर। और गांधी जी को 3 बंदर किसने दिए थे, इसके लिए विकल्प है लंदन के बच्चों ने, भारतीय बच्चों ने, चीनी बच्चों ने, जापानी बच्चों ने। तो इसके लिए विकल्प होगा सही ग, चीनी बच्चों ने। चीनी बच्चों ने बापू जी को, गांधी जी को 3 बंदर दिए थे। गांधी जी के 3 बंदरों में एक ने आँख पर हाथ रखे हुए हैं, दूसरे बंदर ने कानों पर, और तीसरे बंदर ने अपने हाथ डैश पर रखे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो 3 बंदर थे, एक ने आँखों पर रखे हुए हैं, दूसरे ने कानों पर, और तीसरे ने कहाँ पर रखा हुआ है हाथ। तो प्रश्न नंबर 3 के लिए सही उत्तर होगा विकल्प घ, मुंह पर। तीसरे बंदर ने मुंह पर रखे हुए हैं। और प्रश्न नंबर 14 है गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था, इसके लिए विकल्प है कस्तूरबा, कस्तूरी, पुतलीबाई, मीराबेन। और प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर होगा विकल्प क, कस्तूरबा गांधी। प्रश्न नंबर 15 है गांधी जी के 3 बंदर हमें सिखाते हैं कि बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, और तीसरा बंदर क्या कहता है, इसके लिए विकल्प है बुरा मत सहो, चुप रहो, किसी को दुखी मत करो, बुरा मत देखो। तो इसके लिए सही उत्तर होगा विकल्प घ, बुरा मत देखो। महात्मा शब्द का संधि विच्छेद होगा, और संधि विच्छेद के यहाँ पर विकल्प दे रखे हैं महानात्मा, महाजमा आत्मा, महजमा आत्मा, महाजमा आत्मा। तो प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर कौन सा होगा, विकल्प ख सही उत्तर होगा, महाजमा आत्मा, महात्मा। स्क्रीन पर आप प्रश्न नंबर 17 देख सकते हैं, कौन सा सुमेल नहीं है, यानी कि यहाँ पर 2 क और ख सारणी दे रखी है। इसमें हमें ये बताना है कि इस साइड कुछ नारे दे रखे हैं और यहाँ पर कुछ नेता दे रखे हैं, ये कौन सा सुमेल नहीं है, यानी कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्या ये बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था, जय जवान जय किसान क्या ये सही है, इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने क्या ये सही है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है महात्मा गांधी ने क्या ये सही है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और इसके बाद कुछ विकल्प दे रखे हैं, जैसे कि केवल क और अड़, केवल ग, केवल क और घ, केवल अड़ और ख, इस तरह से। अभी इन विकल्प में बताना है कि ऊपर दिए गए विकल्प में कौन कौन सा सुमेल नहीं है, यानी कि कौन सा विकल्प हमारा गलत है। तो प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर होगा विकल्प ग, ये वाला क और घ हमारा गलत है। क अंग्रेजों भारत छोड़ो बाल गंगाधर तिलक, और घ स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है महात्मा गांधी, ये दोनों गलत है। इसलिए यहाँ पर हम विकल्प ग पर सही का निशान लगाएंगे, विकल्प ग। प्रश्न नंबर 18 है सही वर्तनी छाटो, प्रार्थना, प्रार्थना, देखिए 4 बार दे रखा है तो इसको सही छाटना है। इसके लिए हमारा सही विकल्प होगा विकल्प क, प्रार्थना। जब भी र रेफ की मात्रा होती है तो उसके जहाँ पर मात्रा की आवाज़ होती है, वर्ण की आवाज़ होती है, उसे अगले वर्ण पर र रेफ लगता है, प्रार्थना। प्रा के बाद र की आवाज़ आ रही है इसलिए थ पर लगा हुआ है, विकल्प का हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 19 है कक्षा में अध्यापक के प्रवेश करते ही हम उन्हें प्रणाम करते हैं और व्यवस्थित त
तरीके से बैठकर पढ़ना शुरू करते हैं, यह कहलाता है। इसके लिए विकल्प हैं अपरिग्रह, झंझट, हुकूमत, अदब, कायदा। प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर होगा विकल्प घ, अदब, कायदा। इसको क्या कहते हैं? अदब, कायदा, यानी कि डिसिप्लिन। गांधी जी अपनी जेब घड़ी कहाँ रखते थे? इसके लिए विकल्प हैं जेब में, कमर में लटकाकर, हाथ में, घड़ी पहनते ही नहीं थे। और इसका सही उत्तर होगा विकल्प ख, कमर में लटकाकर। प्रश्न नंबर 21 है, गांधी जी सदा सत्य बोलते थे। जो सदा सच बोलता है उसे कहते हैं। इसके लिए विकल्प हैं वाचाल, मिथ्यावादी, सत्यवादी, मितभागी। और प्रश्न नंबर 21 का सही विकल्प होगा विकल्प ग, सत्यवादी, सच बोलने वाला सत्यवादी। प्रश्न नंबर 22 है, कुछ वस्त्रों या परिधानों के नाम जोड़े में आते हैं, जैसे कमीज पैंट। ऐसे ही होगा सलवार डैश, साड़ी डैश, स्कर्ट डैश, कुर्ता डैश। तो इसके लिए देखिए, सलवार के साथ क्या पहना जाता है? प्रश्न नंबर 22 में सलवार कमीज, साड़ी ब्लाउज, स्कर्ट टॉप, कुर्ता धोती। तो इस तरह से हमारा विकल्प ग सही उत्तर होगा, कमीज, ब्लाउज, टॉप और धोती। सलवार के साथ आएगा कमीज, साड़ी के साथ ब्लाउज, स्कर्ट के साथ टॉप और कुर्ता के साथ धोती। आगे है प्रश्न नंबर 3, पढ़ो और उत्तर दो। गांधी जी लिखते थे एक बढ़िया पेन से। वह पेन एक दिन चोरी हो गया। लिखने बैठे तो पाया कि पेन है ही नहीं। उसी समय एक बच्चे ने अपनी पेंसिल दे दी, लो बाबा इससे लिख लो। उन्होंने लिख कर देखा, अरे वाह, इससे तो अच्छा लिखा जाता है और स्याही वगैरह भरने का झंझट भी नहीं। उन्होंने तय कर लिया कि अब पेंसिल से ही लिखेंगे। और पेंसिल से उन्होंने पहली चिट्ठी किसे लिखी जानती हो? भारत के वायसराय को। अब ये गद्यांश पढ़ने के बाद हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर छांट कर लिखने होंगे। प्रश्न नंबर 1 है, गांधी जी के पेन का क्या हुआ? टूट गया, स्याही खत्म हो गई, चोरी हो गया या बच्चे को दे दिया? देखिए, जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा था, तो वह पेन एक दिन चोरी हो गया। क्या हो गया था? चोरी हो गया। तो विकल्प ग हमारा सही उत्तर है, चोरी हो गया। विकल्प ग पर सही का उत्तर लगाएंगे। गांधी जी ने क्या तय किया? कि अच्छे स्याही का प्रयोग करेंगे, अपना पेन संभाल कर रखेंगे, चिट्ठी नहीं लिखेंगे, अब पेंसिल का ही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि हमने गद्यांश में देखा था कि अब पेंसिल से ही लिखेंगे, ये गांधी जी ने डिसाइड किया था, निर्णय लिया था। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा विकल्प घ, अब पेंसिल का ही प्रयोग करेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, गांधी जी लिखते थे एक बढ़िया पेन से। विशेषण और विशेष्य बताओ। अब यहाँ पर देखिए, विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा शब्दों की विशेषता बताए उन्हें हम विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो इसके लिए विशेषण क्या होगा हमारा? बढ़िया है। और विशेष्य क्या है? पेन है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर होगा हमारा विकल्प घ, बढ़िया पेन। उसके बाद है प्रश्न नंबर 4, झंझट से क्या अभिप्राय है? झंझट का मतलब होता है, क्या होता है विकल्प देखते हैं, प्रवाह, परेशानी, शिष्टाचार या व्यर्थ का खर्च। इसका मतलब होता है ख, परेशानी। झंझट का मतलब होता है परेशानी। अरे वाह, और वाह के बाद जो ये चिन्ह लगा हुआ है इसका क्या नाम है? इसके लिए विकल्प है पूर्ण विराम, योजक, विस्मयादिबोधक, अल्प विराम। और प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर होगा विकल्प ग, विस्मयादिबोधक। इसको अगर हम एक सीधी लाइन के नीचे बिंदी लगा देते हैं
तो इसको हम कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। पेंसिल से पहली चिट्ठी लिखी, किसे लिखी गई? हमने गद्यांश में पढ़ा था, आप देख सकते हैं, भारत के वायसराय को। किसको लिखी गई थी? भारत के वायसराय को। तो इसके लिए प्रश्न सिक्स के लिए हमारा सही उत्तर होगा विकल्प ग, वायसराय को। प्रश्न नंबर सात है, महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948, 20 जनवरी 1948, 30 अगस्त 1948, 30 जुलाई 1948। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प क, 30 जनवरी 1948। इस वीडियो में हमने पाठ सात गांधी जी महान कैसे बने के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करे हैं। सभी प्रश्नों को आप अच्छे से समझते हुए याद करें और अपनी कॉपी में लिखें। धन्यवाद।